मुझे घर जाने दो, मुझे यहाँ तुम क्यों लाए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। साहब हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग सही में कुछ नहीं किए। अगर हम लोग कुछ किए होते आप इतना मारते तो बता नहीं देते। हम सही बोल रहे हैं साहब, हम अपना पूरा परिवार का कसम खाते हैं। हम ये मानते हैं कि हम उसको छेड़ रहे थे, लेकिन हम उसका किडनैप नहीं किए साहब। देखो काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम दोनों की बहन डॉली की किडनैपिंग इन लोगों ने नहीं की है, क्योंकि मैंने इन्हें इतना मारा है, इतनी मार खाने के बाद तो कोई भी उगल देता, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। इसका अर्थ यही है कि इन्होंने किडनैपिंग नहीं की है। अब तुम दोनों बताओ, तुम लोग को किसी और पे शक है तो बताओ। नहीं साहब, ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं हम लोग का जो ऐसा घटिया काम करेगा। तुम लोग याद करने की कोशिश करो कि इन कुछ दिनों में तुम्हारा किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ है जिसके कारण ऐसा हुआ है। अगर ये लोग किडनैप नहीं किया है तो कौन किया है साला किडनैप डॉली को? कहीं टकला नेता तो नहीं किया है? नहीं, टकला नेता ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता है, जरूर ये कोई और किया है। हमको रिवाइंड में जाना होगा। अरे हाँ साहब, जब हम लोग चाय का टपरी पे बैठकर बात कर रहे थे ना हमारे गोरा कद्दू कि हम लोग डॉली को क्या गिफ्ट देंगे, तब वहाँ पर दो आदमी बैठा हुआ था और वो हम लोग की पूरी बात सुन रहा था। हमको लगता है वही लोग किडनैप किया होगा। अरे तुम लोग अपनी बहन को राखी में गिफ्ट देगा, उससे किडनैपिंग का क्या चक्कर है? तुम लोग राखी में अपनी बहन को ऐसा कौन सा गिफ्ट देने वाले थे जो तुमको लग रहा है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद वो लोग तुम्हारी बहन को किडनैप किया होगा? सर हम लोग आईफोन और लैपटॉप देने वाले थे, लगभग 3.5 लाख रुपए का, और हमको लगता है यही बात वो लोग सुन लिया तभी किडनैप किया है। ये हमको शक है, गारंटी नहीं है कि वही लोग किया होगा। अच्छा अच्छा, तुम लोग 3.5 लाख का गिफ्ट देने वाले थे, तो मूर्ख हो क्या जो रोड पर ये सब बात करते हो? अपनी बहन को किडनैप करवाने वाले तो तुम ही लोग हो। चलो दिखाओ कौन सी चाय की टपरी पर बात कर रहे थे तुम लोग। अरे भाई, आज ये दोनों तुम्हारे यहाँ चाय पीने आया था? अरे हाँ हाँ साहब, ये लोग तो आया था सुबह में। तो ये लोग जब आया था तो मोबाइल वोबाइल का बात कर रहा था, कोई गिफ्ट विफ्ट का बात कर रहा था उस समय? अरे सर उतना थोड़ी ना हमको ध्यान है, हम लोग धंधा करेंगे कि ये फालतू बात सब सुनेंगे कस्टमर का? अच्छा ये बताओ, उस टाइम पर कोई और भी यहाँ चाय पी रहा था? एक मिनट साहब, सोचने दीजिए। हाँ साहब याद आया, चमचा चाय पी रहा था उस समय और उसका एक दोस्त भी था। ये चमचा कहाँ मिलेगा? सर चमचा जो है ना वो मटर गली में रहता है, मेरा घर के बगल में। ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे, फोन करके तुम उसको नहीं बताओगे कि हम उसको खोज रहे हैं। काहे कि अगर वो भागा ना तो तुमको अंदर डाल देंगे। ठीक है साहब। अरे सर, हम लोग को बिना मतलब का यहाँ थाना में काले कर आ गए हैं, हम लोग क्या किए हैं? तुम और ये जो चमचा है ना, इस दोनों की बहन को किडनैप किए हो, डॉली को। तो एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है, सब पता चल गया है। आईफोन और लैपटॉप के लिए किडनैप किए हो ना? सही से बताओ कहाँ है डॉली? अरे कौन डॉली सर, किसी को किडनैप नहीं किया हम लोग, हम तो इस लोग को भी नहीं पहचानते हैं, ये लोग कौन है? अच्छा ये लोग तुम्हारे साथ आज चाय पी रहा था, लेकिन तुम इस लोग को पहचानते नहीं हो। अरे सर रोड पर चलते हैं, इतना आदमी दिखता है, सबका चेहरा याद रहता है क्या? चाय पिया होगा, हमको याद थोड़ी ना है। आपके पास कोई सबूत है तो बोलिए, ऐसे ही किसी को भी थाना में लेके मत आ जाइए। हम लोग को काम धंधा है कि नहीं, यहाँ के समय खराब करेंगे अपना। रे हमको कानून सिखाता है तुम? अरे सर कानून नहीं सिखा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग किसी को किडनैप नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है जाओ तुम लोग, लेकिन ये याद रहे ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते हो जब तक ये मामला खत्म ना हो जाए, और जब हम तुम लोग को थाना बुलाएंगे तो आना पड़ेगा चुपचाप। ठीक है साहब। है टिल्लू, इस लोग पर नजर रखना, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। और तुम दोनों घर जाओ, तब तक हम तुम्हारी बहन का पता लगाते हैं, अगर मिल गई तो बता देंगे। और हो सकता है किडनैपर का फोन आए तुम लोग को, जैसे आएगा हमको इन्फॉर्म करना, और वो जो मांगेगा बोल देना, दे देंगे। ठीक है सर, हमारी बहन को खाली ढूंढ कर दे दीजिए। अभी तक पापा को भी नहीं पता है कि डॉली किडनैप हो गई है, अब हम वही सोच रहे हैं कि घर जाकर उनको कैसे बताएंगे, किस मुंह से बताएंगे। आज तुम लोग को लेट क्यों हो गया इतना घर आने में? और डॉली कहाँ है, डॉली नहीं दिख रही है? पता है पापा, डॉली किडनैप हो गई है इस पागल के चक्कर में। क्या डॉली किडनैप हो गई है? आज रक्षाबंधन था और डॉली किडनैप हो गई।
कैसा भाई है तुम लोग? अपनी बहन का रक्षा नहीं कर पाया, आज रक्षाबंधन का दिन है, आज ही रक्षा नहीं कर पाया तुम लोग। कैसे हुई डॉली किडनैप? अरे हम क्या रक्षा करेंगे, इसका चक्कर में किडनैप हुई है। 20 बार बाथरूम जाता है डॉली को दुकान पे बैठा के, फिर गुंडा लगाता है, छेड़छाड़ करने, लड़ नहीं पाता, मार खाता है। हम गए थे बार बार बचाए उसको डॉली को, और फिर लास्ट में ये काला कद्दू डॉली को लेके घर आ रहा था, रास्ता में किडनैप करवा दिया। क्यों बड़ा पागल, किडनैप करा दिया था इसे बोल रहा जैसे वो लोग हमारा आदमी था। एक तो दुकान पर आके बैठते नहीं हो, कन्या लोग की तरह सारा दिन घर में बैठे रहते हो। जब हमको बाथरूम लगेगा तो किसको बैठाएंगे दुकान पर? तुम नहीं रहोगे तो मजबूरी में डॉली को बैठाए थे, और जब मार खा के आए थे तो तुमको भेजे थे दुकान पर, तो तुमसे 10 मिनट तो बैठा नहीं गया, बार बार भागकर घर आ जाते थे, और हमको बोल रहे हो। अरे तुम डॉली को कई बार बचाए, तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा था, बार बार मार खा रहे थे। अरे वो तो आज हम बार बार बाथरूम जा रहे थे तो मैं ताकत खत्म हो गया, नहीं तो किसका मजा ले काला कद्दू कराते हुए डॉली को हाथ भी लगा दे। अरे चुप रहो तुम लोग, साला बहन किडनैप हो गई है, ये लोग बकवास कर रहा है। किडनैपर का फोन आया है क्या? अरे हम लोग तो बाहर थे ना, आप ना घर पे थे, फोन आया होगा तो आपको ना पता होगा, आप बताइए आया था कि नहीं। अरे अगर फोन आया होता तो हम तुम लोग से अनजान बन के पूछते, अब इंतजार करो। अच्छा पुलिस में कंप्लेन किया तुम लोग, और जो छेड़ने आया था लड़का लोग डॉली को, उस लोग के लिए कंप्लेन किया? कहीं वो लोग ही तो किडनैप नहीं किया है? हाँ किए, लेकिन वो लोग किडनैप नहीं किया है, एक और पे शक था, पुलिस उसको भी पकड़ी, लेकिन वो लोग भी किडनैप नहीं किया है। अरे तो किडनैप किया कौन है? अरे वही तो पता लगाना है, अब इंतजार करना होगा किडनैपर के कॉल का। हेलो कौन? जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई? किसकी घड़ी आ गई जो फोन करके हमको बता रहे हो? यहाँ साला दिमाग खराब हो रखा है, बहन किडनैप हो गई है, तुमको घड़ी का पड़ा हुआ है, घड़ी आ गई, घड़ी आ गई। अबे किडनैपर बोल रहे हैं, तुम्हारी बहन मेरे पास है, तो जैसा जैसा बोलते जाते वैसा वैसा करते जाओ। जितना भी तुम्हारी बहन का कपड़ा और मेकअप है, जहाँ कहते हैं वहाँ चुपचाप पहुँचाओ। अरे तुम पहले अपना नाम तो बताओ। नाम में क्या रखा है, किडनैपर चचा बोल लो। अच्छा तो किडनैपर चचा, हर किडनैपर पैसा मांगता है, आप कपड़ा और मेकअप का मांग रहे हैं? ये साला काला कलूठा, जो हम लोग की डॉली बेटी को किडनैप किया उसको चचा बोल रहा है, काला कलूठा पागल। सवाल तुम नहीं करोगे, जो हम कहेंगे वो चुपचाप करोगे, तुम्हारी बहन को सजाना है। और ये कैसा किडनैपर है, हमारी बहन को सजाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास बेटी नहीं है, तो हम लोग की बहन को हमेशा के लिए अपने पास रखेगा, इसीलिए पैसा नहीं मांग रहा, उसका कपड़ा और मेकअप मांग रहा है। किडनैपर चचा, हमारी बहन को छोड़ दीजिए, आप जितना पैसा बोलेंगे सब देंगे, हमारे पापा के पास 1 करोड़ रुपया घर में बोलिए तो दे दें। अरे साला पागल, किडनैपर को बता रहा है हमारे घर में कितना पैसा पड़ा है, पगलेट कहीं का। अरे पापा आप कैसे हैं, यहाँ डॉली की जान को खतरा है, पैसे के बारे में सोच रहे हैं? अरे जान का खतरा है तो उसको बचाएंगे ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किडनैपर को अपने घर का सारा डिटेल दे देंगे। हमको पैसा नहीं, मेकअप और कपड़ा चाहिए, रात 12 बजे कब्रिस्तान में तुम कपड़ा और मेकअप लेके आ जाना अकेले। अरे साला ये हमको कब्रिस्तान में काय बुला रहा है कपड़ा लेकर, ये कौन है जो हमारी बहन को किडनैप किया है, वो भी हमको अकेले अकेले बुला रहा है कब्रिस्तान। दोस्तों अगर आप लोग को पता है कि हमारी बहन को कौन किडनैप किया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और हमको अकेले कब्रिस्तान काय बुला रहा है, उस किडनैपर का मंशा क्या है वो भी बता दीजिए प्लीज, तभी हम तैयारी करके जाएंगे। तब तक के लिए हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।